64 दिन हो गए हैं हड़ताल लगी हुई, लेकिन सरकार को अभी भी सोई हुई है। हम ये बताना चाहते हैं सरकार को कि अगर आप अभी नहीं जागे तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमने दिन रात यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार अभी भी सोई हुई है। 24-25 तारीख को कल महारैली होने जा रही है। सरकार को ये बताना चाहते हैं, ये रैली इतनी बड़ी होगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। हम अपनी रेगुलर पॉलिसी और बकाया वेतन चाहते हैं। हम दो वक्त की रोटी चाहते हैं, बच्चों के लिए चाहते हैं, बच्चों के लिए जिनको स्कूल से बाहर निकाला गया है। ये गवर्नमेंट अभी तक सोई हुई है। हम ये जानना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि हमारे साथ भेदभाव क्यों किया गया है। अगर बिजली वाले को 12,000 को पका के अपना कर दिया गया है, लेकिन हमारे साथ क्यों भेदभाव करते हो। ये हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं किया गया कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और हम ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे साथ जो मर्जी हो जाए, गवर्नमेंट चाहे गोलियां चला ले, डंडे लगा ले, हम आप पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए। अब ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि हमारे बच्चों का बहुत बुरी हालत है और स्कूल से बाहर निकाल दिया गया, इनको अभी तक ये सोए हुए हैं। हम एसजी प्रशासन से ये मांग करते हैं, हमारा बकाया वेतन और रेलवे पास से हमें दीजिए, नहीं तो हम पीछे हटने वाले नहीं है, चाहे हमारी जान क्यों ना चले जाए। हम रोडों पर उतरने के लिए मजबूर हैं। आपने देखा होगा बारिश के बीच में भी ये 40% से ऊपर गर्मी थी, तो तब भी हम रोडों पर थे। हमें कोई शौक नहीं है, हम कोई लीडर नहीं बनना चाहते हैं। बीजेपी वाले अभी भी कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो आपको हम परमानेंट करेंगे। हम बीजेपी वालों को ये बताना चाहते हैं, अगर 64,000 जो तुम्हारा डेली वेजर जो है, जब पीएचई का डेली वेजर जो है आपके साथ खड़ा है, अगर आप हमारे लिए पार्सल लाते हो, अगर नहीं लाते हो, तो हम ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी वाले ये भूल जाए कि कहते हैं हमारे टक्कर में नहीं है, डेली वेजर अब उनके टक्कर में है, खड़े होंगे, वरना ये लखनपुर पार चले जाएंगे।